सबसे पहले हमें चलना होगा एंजल वन के ऐप के ऊपर। जैसे ही आप लॉग इन कर देते हो एंजल वन के ऐप के ऊपर, आपको ये जो 3 लाइंस दिखाई दे रही है इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो ट्रेड का बटन दिखाई दे रहा है या फिर ट्रेड का सिंबल दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से छोटा सा एक एरो दिखाई देता है, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो डिफरेंट ऑप्शन आपके सामने दिखाई देते हैं, जैसे कि लिमिट, आईपीओ, स्टॉक एसआईपी, ऑर्डर बुक और मार्जिन कैलकुलेटर और जीटीडी ऑर्डर। यहाँ पे आपको आईपीओ के ऊपर सिलेक्ट कर देना है, जहां भी आईपीओ लिखा है उसके ऊपर आप जैसे ही सिलेक्ट करते हो तो जो भी आईपीओ ओपन होंगे उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि ये सिंगाची इंडस्ट्रियल लिमिटेड, फिनो पेमेंट बैंक, उसके नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो पेटीएम लिमिटेड का अभी आया नहीं है, जो आएगा वो 8 नवंबर को आएगा, ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं वो अभी ओपन है, ऐसा आपको समझ जाना है, और उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। एफबी फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार का आईपीओ भी यहाँ पे ओपन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो जो चांसेस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड लिस्टिंग गेन, आपको यहाँ पे एक मीटर भी दिखाई देता है कि किसके लिस्टिंग गेन के चांसेस ज्यादा है, किसके लिस्टिंग गेन के चांसेस कम है, कौन सा आईपीओ कितने परसेंट बढ़ा है या फिर कितने एक्स बढ़ा है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देती है, जो कि एक अच्छी चीज यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं कि सिंगाची इंडस्ट्रियल लिमिटेड का जो आईपीओ है वो 9.52x अभी तक सब्सक्राइब हुआ है। उसके जो लिस्टिंग गेन के चांसेस और ओवर सब्सक्रिप्शन के चांसेस हाई दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। आप अगर इस आईपीओ के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो नो मोर के ऊपर क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप नो मोर के ऊपर क्लिक करोगे तो सारी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे दिखाई देगी, जैसे कि लॉट क्वांटिटी कितनी है, लॉट साइज कितना है, रिटेल डिस्काउंट कितना है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी है, मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट कितनी है, प्राइस बैंड कितना है इसका और इशू का साइज कितना है, ये सारी चीजें आपको सामने दिखाई देती है। और यहीं से आप अप्लाई कर सकते हो इस आईपीओ में। जो भी आईपीओ आपका एनालिसिस हुआ हो, जिस आईपीओ में आपको लगता है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उस आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना है। कोई भी आईपीओ आता है, बहुत सारे आईपीओ आते रहते हैं, अगर कोई कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो तो उसमें आप इन्वेस्ट नहीं करो, यही हमारा सजेशन रहेगा। तो यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि ये सिंगाची इंडस्ट्री का जो आईपीओ है या फिर फिनो पेमेंट बैंक का आईपीओ है, ये अच्छा खासा भरा है। सबसे ज्यादा जो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो सिंगाची इंडस्ट्री में दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई के ऊपर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने फिर एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप कंपनी का नाम, मिनिमम बैंड और मैक्सिमम बैंड, जो प्राइस बैंड होता है वो कितना है यहाँ पे दिखाई देगा। मिनिमम 1 लॉट 13 का है तो यहाँ पे वो भी आपको दिखाई, मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट आप यहाँ पे ले सकते हो। 1 लॉट में 90 क्वांटिटीज हैं, तो आपको अगर 2 लॉट लेने हैं तो आपको 90 के मल्टीपल में यहाँ पे लॉट ऐड करने होते हैं, या फिर आप यहाँ पे 1, 2, 3 इस तरीके से लॉट ऐड कर सकते हो। तो जितनी भी क्वांटिटी यहाँ पे आप एंटर करोगे, जितने भी लॉट एंटर करोगे उसकी क्वांटिटी नीचे यहाँ पे दिखाई देगी और टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो कट ऑफ प्राइस, यहाँ पे आप कट ऑफ प्राइस भी सिलेक्ट कर सकते हो। ऑलरेडी यहाँ पे कट ऑफ प्राइस ही सिलेक्ट करके आता है, तो आपको अलग से यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये कट ऑफ प्राइस के ऊपर ही सिलेक्ट होकर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी आपका एंटर करना होता है, जो भी आपका गूगल पे का आईडी होगा, फोन पे का आईडी होगा या फिर भीम ऐप का आईडी होगा, वो आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। उसके बाद जो भी आपकी बैंक होगी, आईडी के साथ बैंक आपकी लिंक होके आके सामने दिखाई देती है, तो वो बैंक आपको वहां पे सिलेक्ट करनी है। जैसे कि अलाहाबाद बैंक हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गई, एक्सिस बैंक हो गई, तो वो यहाँ से आपको क्या करना है, आईडी एंटर करने के बाद यहाँ पे आपकी बैंक सिलेक्ट करनी है। डिफरेंट बैंक के ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे कि ओके एचडीएफसी बैंक हो गया, तो ये आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है और आपका जो डीमैट अकाउंट नंबर है ऑलरेडी यहाँ से सिलेक्टेड होता है, और जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, जो जितने भी लॉट इन्वेस्टमेंट करने हैं वो आपको अमाउंट यहाँ पे, टोटल अमाउंट यहाँ पे दिखाई देती है कि 24,670 रुपये आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए लगने वाले हैं। और उसके बाद आपको इन्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इन्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर देते हो, आपका जो भीम यूपीआई या भी जो भी यूपीआई आईडी यहाँ पे आपने दिया है, उस एप्लीकेशन के ऊपर आपको एक मैंडेट अप्रूवल का नोटिफिकेशन आ जाएगा। वहां पे जाके आपको मैंडेट अप्रूव करना होता है, उसके बाद पिन एंटर करना होता है, और पिन एंटर करने के बाद ही आपका जो मैंडेट है वो आगे प्रोसेस होता है और आईपीओ में आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाता है। अगर आप यूपीआई आईडी जिस एप्लीकेशन का आपने डाला है उसके ऊपर मैंडेट अप्रूव नहीं करते हो, तब आप तब जब तक अप्रूव नहीं करते हो तब तक आपका जो अप्लाई एप्लीकेशन होगा आईपीओ का वो सबमिट नहीं होगा, आपका आईपीओ तब तक अप्लाई नहीं होगा। तो इतनी सिंपल प्रोसीजर है दोस्तों आईपीओ में अप्लाई करने की। आपको सिर्फ यहाँ पे यूपीआई आईडी आपका पता होना चाहिए, जितने लॉट है आपको वो उतने वहां पे एंटर करने होते हैं। जितनी अमाउंट आपकी यहाँ पे पूछी जा रही है, जैसे कि 14,670 रुपये, उतने पैसे आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए, क्योंकि ये जो अमाउंट है वो ब्लॉक हो जाती है, और जब भी आईपीओ आपको मिल जाता है तो वो अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है।
और अगर नहीं मिलता है आईपीओ तो दूसरे दिन जैसे ही अलॉटमेंट आती है उसके दूसरे दिन आपकी जो ये अमाउंट होती है वो अनब्लॉक कर दी जाती है और वो अनफ्रीज कर दी जाती है और आप वो पैसे फिर यूज कर सकते हो। तो तब तक के लिए आपके अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए, अदरवाइज जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये था वीडियो दोस्तों, आईपीओ किस तरीके से अप्लाई करते हैं एंजल वन के थ्रू, इसके बारे में डिटेल जानकारी। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।